नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। सावन में आने वाली अमावस्या हरियाली का प्रतीक है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार ये तिथि 28 जुलाई 2022 को है। अमावस्या तिथि पर स्नान दान के साथ पितरों के श्राद्ध और तर्पण करने का भी विधान है। हरियाली अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। इस बार हरियाली क्यों है खास, आइए जानते हैं पितरों की शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 जुलाई 2022 रात 9:11 से शुरू होगी। सावन अमावस्या तिथि का समापन 28 जुलाई गुरुवार की रात 11:24 को होगा। इस दिन गुरु पक्ष का शुभ योग भी बन रहा है। पक्ष को नक्षत्रों का राजा माना जाता है, इसलिए इस योग में तर्पण पिंडदान करना पुण्यकारी माना गया है। सावन अमावस्या यानी कि 28 जुलाई को सुबह 7:05 तक पुनर्वसु नक्षत्र होने से सिद्धि और उसके बाद पुष्य नक्षत्र होने से दो शुभ योग बनेंगे। इसके अलावा आप हरियाली अमावस्या पर पितृ शांति के लिए आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। अमावस्या पर दान करने का महत्व है। ऐसे में हरियाली यानी कि सावन की अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए गरीबों को कपड़े और अन्न का दान करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण करने से पितर बहुत खुश होते हैं। इस दिन पीपल, बर्ड, आंवला, नीम का पौधा लगाना चाहिए और उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। पितरों की शांति से घर में खुशहाली आती है। ऐसे में हरियाली अमावस्या के दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, साथ ही नदी में काले तिल प्रवाहित करें। पितरों का ध्यान करके पीपल के पेड़ में जल में काले तिल, चीनी, चावल और फूल डालकर अर्पित करना चाहिए और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये उपाय शुभ फल प्रदान करता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।